खाने एवं पीने से संबंधित धार्मिक प्रावधान। खाने एवं पीने के संबंध में मूल बात यह है कि यह हलाल है। अल्लाह ताला के इस कथन के कारण, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यिबा, सिवाय उन चीजों के जिनको खाना अथवा पीना हराम करार दिया गया है, जैसे मुर्दार, सुअर का मांस तथा शराब इत्यादि, जिसका उपभोग करने को शरीयत में हराम एवं वर्जित करार दिया गया हो। इसी प्रकार से वह समस्त वस्तुएं जो मानव शरीर को क्षति पहुंचाती हो। सर्वोच्च अल्लाह के इस कथन के कारण, वला तक्तुलू अन्फुसकुम, इसी प्रकार से अपवित्र चीजों का खाना एवं पीना भी वर्जित है। सर्वशक्तिमान अल्लाह के इस कथन के कारण, ويحرم عليهم الخبائث, इस आयत में अल्लाह ने खबाइस अर्थात मलिन चीजों को हराम अर्थात अवैध करार दिया है, तथा अपवित्र चीजें भी खबाइस ही में से हैं। साथ ही हर तरह के नशा का सेवन करना भी मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन के कारण, नशा पैदा करने वाली प्रत्येक चीज शराब है तथा हर प्रकार का शराब हराम है। समकालीन युग में फैली हुई हराम चीजों में से एक जिससे बचना तथा सावधान रहना वाजिब है, सिगरेट पीना है, क्योंकि यह भी खबाइस में से है तथा यह शरीर को हानि पहुंचाता है एवं घातक लंबी बीमारियों का कारण बनता है। समकालीन चिकित्सा अनुसंधान से निश्चित रूप से यह बात सिद्ध हो चुकी है। जब तक जरूरत ना हो तथा विशेषज्ञ चिकित्सक इसकी राय ना दें, तब तक उत्तेजक और नींद की गोलियां लेना भी हराम है, क्योंकि इसका अधिक उपयोग करने वालों के लिए यह हानिकारक है।